गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बंटी सर आज आपके लिए होम वायरिंग छोटा सा प्रैक्टिकल लेकर आया हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर चार बल्ब दिख रहे हैं और एक ये बल्ब चौथा में जो बल्ब मेरा ये अकेला दिख रहा है। देखिए इसका बगल में हम लिख के रखे हुए नाइट लैंप 0.5 वाट 140 वोल्ट से चलेगा, ठीक है। और ये आपका बल्ब हो गया तीनों जो कि 100 वाट 240 वोल्ट का, ठीक है, 100 वाट 240 वोल्ट का। अब आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है फ्यूज इंडिकेटर एसपीएसटी स्विच दो पीस लिए हुए हैं और एसपीडीटी स्विच है, ठीक है, ये सारा आपको दिख रहा है। अब हमको इसका वायरिंग करना है, इसमें कुछ कंडीशन है, लेकिन कंडीशन यही है कि दो बल्ब है मेरा, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट होगा, ये कभी ऑफ भी नहीं होगा, ये कंडीशन इस पे लागू होगा, ठीक है। ये दोनों बल्ब में से कोई एक बल्ब हमेशा जलेगा, जैसे कि ट्यूबलेस स्विच जो हम लिए हैं, हम जब नीचे की तरफ किए हुए रहेंगे तो नाइट लैंप चलेगा मेरा, ऊपर कर देंगे तो मेरा ये बल्ब जलेगा। इसका वायरिंग हमको इस मकसद है करने का, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है घर में इसलिए हम लोग आते हैं तो जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो हमको दो स्विच लगाना होगा, ये दो उपकरण को कंट्रोल करना है। यदि हम कोई बल्ब को बंद करेंगे, ठीक है, तो दूसरा नाइट बल्ब जो सोने के पहले नाइट बल्ब जलाया जाता है अंधेरा हल्का लाइट के लिए, जिसे नाइट लैंप कहते हैं, उससे हमको ऑन करना होता है। दो स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। उस कंडीशन में यदि हम एक ट्यूबे स्विच को लगाए और मेरा दो काम हो जाए तो हम उसे कर सकते हैं। तो इसमें वही हम काम आज दिखाने जा रहे हैं। फोकस है आज का जो वायरिंग में, ये स्विच में हम एक लगाए हैं और हम जब चाहेंगे तो इसको हम जलाएंगे, दिन भर इससे जला कर रखेंगे, रात में हम इससे जला देंगे, ठीक है, दिन भर इससे जलाएंगे रात में इससे जलाएंगे जब मुझे इच्छा करे। लेकिन हाँ कंडीशन यही है, नुकसान थोड़ा सा है इसमें कि आपको एनी टाइम ये बल्ब और ये बल्ब कोई जलता ही रहेगा, नुकसान यहाँ पे है एक, इसमें से कोई एक बल्ब हमेशा जलता ही रहेगा, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। पूरा वायरिंग के बारे में बता दिए, आप कनेक्शन करना है हमको, तो कनेक्शन करने के लिए फ्यूज हमेशा कौन सा क्रम में लगाए विद्युत धारा का, तो फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। और इंडिकेटर कहाँ लगाए जाते हैं, तो पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। तो दो काम जो है बहुत आसान है, बार बार कराते हुए आ रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। ये फेज सप्लाई रेड कलर से हम फिक्स किए हुए हैं, यहाँ पे इन कर दिया, यहाँ पे फेज हम लोग लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रल हम लोग लिख देते हैं, फेज सप्लाई ऊपर आ गए। अब इंडिकेटर में आपको देना है फिर न्यूट्रल दोनों, यहां से हम फेज निकाल लेंगे सीरीज होने के कारण, आ गया इसमें इंडिकेटर में मेरा सप्लाई आ गया। अब इंडिकेटर में फेज तो मिल गया लेकिन न्यूट्रल चाहिए इसमें, क्योंकि पहले में लगता है न्यूट्रल सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे यहां से लाके दे सकते हैं, ये न्यूट्रल आ गया, ठीक है। अब ये बल्ब एक दो तीन चार, चार बल्ब है, चारों को न्यूट्रल का मिलन कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल वायर में ऊपर से वहां तक ले जाएंगे जिसमें सब कुछ करके हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, यही चलाते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है। और यहां से हम लंबा सा बाल, देखिए ये इसमें इन करा दिए, ये हम यहाँ पे इन करा दिए, ये हम यहाँ पे इन करा दिए, और इससे हम यहां से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा न्यूट्रल का काम पूरा हो गया। अब फेज का काम करते हैं, तो फेज का काम सबसे पहले सभी स्विच में हम लोग दे देंगे फिर, ठीक है। तो स्विच यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, अच्छा क्यों सर हम यहां देंगे ट्यूबे स्विच में बीच में देना चाहिए, वायरिंग के अनुसार जो मेरा वायरिंग है इसमें हम यहां कर देंगे, इसमें भी यहां कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट मेरा फेज सप्लाई का काम स्विच तक तो पहुंच गया। अब एक बल्ब दो बल्ब तीन बल्ब चार बल्ब, देखिए चार बल्ब खाली भी होगा, एक दो तीन चार, इसमें है कि हमको नेट बल्ब देना होगा, ठीक है। तो हम इधर से काम करते हुए आते हैं, इसका काम हम ऐसे कर देते हैं, हो गया, इसका काम हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए ओवरलैपिंग से हम बचने के लिए थोड़ा ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं करना, कोशिश कीजिए कि हम कनेक्शन में तार को नहीं चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, ये जब क्रॉस करता है तो कंफ्यूजन होता है कि ज्वाइंट है कि पार किया हुआ है,
हालांकि ज्वाइंट में ये दिया जाता है और क्रॉस में ये दिया जाता है, लेकिन स्काई के सिंबल में आप लोगों को दिखेगा ऐसे किया हुआ है तो ये भी आपका क्रॉस ही है, ठीक है। ये नहीं भी किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं किया हुआ, ये नहीं किया, ये सिर्फ किया हुआ है, समझ जाइए क्रॉस का सिंबल की कनेक्शन को पार किया गया। जब तक इसमें डार्क को नहीं मार दी कंफ्यूजन हो सकता है, इस कारण से इस सिंबल को हम लोग ये देंगे जी फ्लिप लेते, ठीक है। अब देखिए मेरा बल्ब ट्यूबल स्विच को दो बल्ब मेरा बच गया, बनाए थे उसका काम कर लेते हैं हम लोग, इसमें इन करा दिए और ये नीचे में इन करा दिए। जैसा कि आप देखें ये पूरा हो गया, अब क्या होगा, मेरा स्विच सही है, मीटर भी सही है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे मेरा ये वाला बल्ब क्या होगा जल जाएगा, प्रकाश देने लगेगा, फिर जिसको ऑन करेंगे ये वाला बल्ब मेरा जल जाएगा, प्रकाश देने लगेगा। अब इसमें क्या है, कोई एक बल्ब हमेशा जलेगा, यानी कि अभी ये बल्ब मेरा जल रहा है क्योंकि स्विच जो है नीचे की तरफ मेरा ऑन है, ठीक है, नीचे की तरफ मेरा ऑन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्विच से ये वाला कनेक्शन किया हुआ, ठीक है, इस स्विच से मेरा ये कनेक्शन किया हुआ, इस स्विच से मेरा ये कनेक्शन, जिससे नीचे किए तो मेरा लाइट लैंप जला, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे मेरा ये कनेक्शन चालू हो जाएगा, तो इसमें कोई ना कोई एक हमेशा जलता ही रहेगा, लेकिन ये स्विच कंडीशन है अभी ऊपर की तरफ, ठीक है, कि जब नीचे करेंगे तो मैं नीचे की तरफ आ जाएगा तो ऊपर छूट जाएगा अपने आप, जैसे नीचे करेंगे ऊपर मेरा संपर्क तोड़ देगा, ऊपर संपर्क तोड़ देगा तो ये मेरा जलने लगेगा, जैसे ऊपर करेंगे नीचे संपर्क तोड़ देगा तो मेरा ये जलने लगेगा, मेन फोकस था आज इस स्विच को लेकर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और देखिए जो नाइट बल्ब आप देखे है 0.5 वोल्ट 5.05 वाट, ये याद रखिएगा एलईडी में ही आता है, ये एलईडी में ही आता है, इससे पहले हम लोग को नाइट बल्ब आता था घर, हम लोग घर में लगाते थे, वो क्या होता था 10 वाट से लेके 25 वाट तक अवेलेबल था, लेकिन हम लोग इसे 0 वाट के नाम से जानते थे, 0 वाट तो होगा ही नहीं, खैर एलईडी हो जाएगा 0 वाट नहीं होगा, कोई ना कोई उसका वाट होगा, 1 वाट हो 2 वाट हो, तो अभी जो मार्केट में सबसे अधिक चल रहा है 0.5 वाट का होगा, सप्लाई 220-240 वोल्ट से वो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, आज के क्लास में यही समाप्त होता है।